हेलो फ्रेंड्स, एक्सक्वेल के न्यू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम करेंगे इसके अंदर कि कैसे हम डिलीट करना चाहें तो उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स में दोस्तों हमने देखा था कि कैसे हम किसी चीज़ को अपडेट कर सकते हैं, कैसे मतलब उसको सेट कर सकते हैं किसी वैल्यू को, ठीक है। आज हम करेंगे डिलीट। तो मैंने वही अपना डेटाबेस जो है दोस्तों STD यूज़ किया हुआ है और हम अपने हमारे टेबल SDET में काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम काफ़ी ट्यूटोरियल से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आज हम करेंगे डिलीट, ठीक है। तो डिलीट की कमांड होती है दोस्तों, क्वेरी होती है डिलीट फ्रॉम SDET, ठीक है। वेयर सपोज कीजिए, मैं क्या डिलीट करना चाहता हूँ, मैं दोस्तों डिलीट करना चाहता हूँ जितने भी मैं सपना के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। वेयर एस नेम इज इक्वल टू सपना, ठीक है दोस्तों। मैंने ये कमांड लगाई है और देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम इसे कर गए। सॉरी, नेक्स्ट सिंटेक्स नियर इज इक्वल टू वेयर, तो ठीक है दोस्तों। वेट, हमारी एक रो इफेक्ट हो चुकी है। अब मैं अपनी कमांड लगाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SDET, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, थोड़ा कीबोर्ड मेरा ढीला हो चुका है। देखिए, सपना का रिकॉर्ड दोस्तों यहां से डिलीट हो चुका है क्योंकि हमने यहां पे डिलीट कमांड लगाई थी, ठीक है। अब दोस्तों सपोज कीजिए मुझे डिलीट करना है सारे वो नाम डिलीट करने हैं जिसमें लास्ट नेम कुमार और मिडल नेम XYZ, मतलब ये तीन विन, ठीक है। ये तीन दोस्तों ये डिलीट हो जाएंगे इस टाइम, ठीक है। अगर मैं ये कैसे लगाऊंगा कमांड, देख कैसे होगी वो, कि डिलीट फ्रॉम SDET वेयर SL नेम इज इक्वल टू कुमार एंड कुमार एंड एस मिडल नेम इज इक्वल टू XYZ। इसे हमें कॉलम में लेना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों इस कमांड से कि ये जितने भी तीन रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएंगे। देखिए, थ्री रोज इफेक्टेड, ये बता भी रहा है कि आपकी तीन रोज इफेक्ट हुई है इसकी वजह से। चलिए हम अपनी देखते हैं कि क्या वो सही यही गई है। सॉरी, देखिए दोस्तों, हमारे पास वो सारी रोज जा चुकी है जिसके अंदर लास्ट नेम कुमार था और साथ ही साथ एस नेम, हमारा मिडल नेम सॉरी XYZ था। तो अब कोई XYZ एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर साथ साथ कुमार भी हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी डिलीट क्वेरी, क्यों कैसे हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कैसे हम इसे अपने किसी रोज को, किसी भी डेटा को डिलीट करने के काम में ला सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि गलती से कई बार आप ये कमांड मत चला दीजिएगा कि आपने अगर ये कमांड चला दी डिलीट स्टार फ्रॉम SDET, ठीक है। आपने सोचा कि इस कमांड से क्या होगा कि हम इसके अंदर जो SDET ID की SDET का टेबल है सारी की सारी जितनी भी रोज है सब चीज़ों को वो डिलीट कर देगा इस कमांड से। तो कभी थोड़ा सा संभल के इस कमांड को मत चला दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगे तो आप जाके YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। टेक केयर, बाय, थैंक यू। जो भी BTech इंजीनियरिंग में IT और CSE के ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते हैं यहाँ पे आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज ट्यूटोरियल मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा के आप दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको हैंड टू हैंड उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी। आप दोस्तों हमारी वेबसाइट पे भी जाके हमारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी PDF नोट्स है उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे तो दोस्तों ऐसे पेज खुलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉपिक होंगे। आप यहाँ जाइए और सिर्फ आपको यहाँ पे डाउनलोड दिस ट्यूटोरियल को क्लिक करना, तो इस टॉपिक से रिलेटेड इस ट्यूटोरियल की PDF फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी।